जब लोग कहते हैं कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, जब लोग कहते हैं कि बिना पुरुष के मदद के महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, जब लोग कहते हैं कि घर से निकलते वक्त भाई छोटा ही सही हो लेकिन उसकी उंगली पकड़ के चलना क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी अस्मत की रक्षा करेगा, तब मन करता है कि पलट के बोलूं कि क्यों नहीं औरतें आगे बढ़ सकती हैं, तब मन करता है कि पलट के पूछूं कि क्यों हमारे समाज ने औरतों को ऐसा बना रखा है, ऐसा दबा रखा है कि वो कुछ कर नहीं सकती, वो आगे बढ़ नहीं सकती। आज नारीनामा के सफ़र में एक ऐसे बैंड से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, मैं एक ऐसे बैंड के लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जिस बैंड को बनाने से लेकर के उसमें बैंड बजाने से लेकर के गीत लिखने से लेकर के मंच पर प्रस्तुति सब कुछ औरतें करती हैं। ये वो औरतें हैं जो बहुत छोटी जगह से निकली हैं लेकिन अपना नाम अपना मुकाम दोनों हासिल कर रही हैं। आज नारी गुंजन के बैंड के लोगों से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी और मैं चाहूंगी कि एक बार आप थोड़ा सा बजाएं ताकि हमारे दर्शक भी आप लोगों को सुन सकें। एक बार बजाएं आप लोग। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को अपने हुनर को पहचाना, लोगों के लाख कहने के बावजूद कि कैसे हो, महिलाएं हैं, क्या करेंगी, कैसे करेंगी, आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के साथ साथ अपने परिवार से लड़ने के साथ साथ आज ये इस मुकाम पे हैं कि लोग इन्हें सुनने को उत्सुक होते हैं, लोग इन्हें सुनने को आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम सविता जी है। अच्छा, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्यों लगा आपको कि ये बैंड शुरू करने की ज़रूरत है? दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो औरतें करती हैं, आपको ये बिल्कुल अलग काम करने की क्यों सूझी? मेरा दीदी सुधा दीदी हैं, वे सुधा दीदी बोली कि सविता जी सब कोई तो पुरुष काम ही करवे करता है लेकिन आप महिला होकर बैंड बजाने के लिए चाहता है। हम बोले कि हाँ दीदी, क्यों, जरूर हम लोग महिला बैंड बजाने के लिए चाहते हैं क्योंकि सारा काम पुरुष ही करेगा, महिला नहीं कर सकती है। तब बोले दीदी कि ठीक है, हम मास्टर को भेजेंगे, आए अपना सीखना शुरू कीजिए। हम 15 या 16 महिला से हम लोग सीखने के लिए शुरू कर दिए। 16 महिला में सीखते सीखते वो लोग पकड़ नहीं पाई और महिला कह रही थी कि हमको से नहीं होगा, वो भाग गई 6 महिला। हम लोग 10 महिला सोचे कि नहीं, हमारा जो दीदी काम किए हैं, बिहार में इतनी सारा काम है कि जो महिला और लड़की करता है हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग महिला सब कोई 10 महिला दम हर काम करते, भर में अपना खाना बनाते, बर्तन साफ करते, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई भेज भाज के, हम लोग अपना ड्रम बजाने के लिए 1.5 घंटा 1 घंटा समय अपना छत पर देते हैं। जब बजाने के लिए हम लोग 10 महिला पूरा बजाने लगे तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। हमारा पटना में पहले प्रोग्राम शुरू हुआ चनकिया होटल में जी। तो हम गए वहाँ चनकिया होटल में तो हमारे बड़ा बड़ा सर लोग थे तो बड़ी सुन के प्रसन्नित किए कि बाप रे बाप, हमारा महिला तो बिहार में कहीं हम ड्रम बजाते देखबे नहीं कि आज हमारा महिला ड्रम बजा रही है। वहाँ हम लोग का आप बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश में शायद आप पहली बैंड हैं जिसे सिर्फ महिलाएं बजाती हैं, तो इस गर्व को जान लीजिए आप लोग आज। तब हम लोग अब बहुत बहुत दूरी तक ले बजाए हैं, मौर्या होटल में बजेबे किए, चनकिया होटल में बजाए, बेतिया जिला बजाए, नालंदा जिला बजाए, बेगूसराय बजाए और आज हम नई दिल्ली में आए हैं, आज दिल्ली में बजाए। अच्छा सविता, मुझे एक बात और बताइए, क्या आप लोग शादी विवाह घर के फंक्शन संस्कारों में भी बैंड बजाने जाते हैं या सिर्फ इस तरह के जो प्रोग्राम है उनमें आते हैं? हम बराती में बजाते हैं जी। हम द्वार लगाते हैं, बराती में जाते हैं, दुल्हा को द्वार लगाते हैं, जयमाला घड़ी बजाते हैं, हाँ अगड़ी प्रवेश में बजाते हैं, बर्थडे में बजाते हैं, प्रोग्राम में बजाते हैं, हर जगह हम लोग बजाते हैं। कभी किसी ने टोका नहीं, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अरे तुम औरतें हो कैसे बैंड बजा लेती हो, क्यों करती हो, कभी किसी ने कुछ बोला नहीं ऐसे? पहले शुरू में बोलता था, हाँ शुरू में बोलता था कि ये लोग से नहीं होगा, ये लोग इतना तरक्की करता था, कहता था पुरुष लोग कि ये सब झूठ झूठ बजाते रह जाएगा, ये लोग से नहीं बजेगा जिंदगी में। लेकिन अब जो कहा था वह पुरुष, अब लोग अचंभों में पड़ गया कि बाप रे, ये लोग की जहाँ ना पहुँच है जहाँ ये लोग जाने लगा, इनको इतना इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है कि हद से ज़्यादा उतना हम लोग का भी नहीं मिलता है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन कहने में बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी होती है। नॉर्मली हम लोग भी जब कहीं जाते हैं
तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने काम की वजह से, अरे कहाँ कैमरा वैमरा पकड़ के चल रही हैं, माइक वाइक पकड़ के चल रही हैं, बहुत छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत आम हो जाती हैं, बहुत लोग बोली बोलते हैं, लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। क्या कभी आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि लोगों ने इस तरह से? हम लोग का साथ कभी छेड़छाड़ एक बार हुआ था, लेकिन हमारा जो भैया रहते हैं साथ में, वे भैया धक्का दे के एकदम लाइन से अलग कर देते हैं कि हमारा जो महिला है महिला के बीच में नहीं आना है। हाँ, अब तो हमारे साथ ऐसा होता है कि इधर उधर हम लोग कभी कभी बड़ा बड़ा आदमी को जाते हैं तो पुलिस भी रहता है साथ में चलता है। जब वो सब नहीं रहता तो हमारे भैया जो हैं पूरा हाथ जोड़ा जोड़ा के लाइन पकड़ लेते हैं कुछ दूरी दूरी तक ले, हम लोग बीच बीच में चलते हैं झाड़ फाटक। हाँ, झाड़ फाटक भी रहता है, हम लोग बीच बीच में लाइन लगा के बजाते बजाते चल जाते हैं। अच्छा, आप लोग गीत भी गाती हैं, मैंने सुना शायद जन गीत आंदोलन के संगठन के गीत का। हाँ। तो बिना बजाए, क्योंकि आगे प्रोग्राम चल रहा है, तो बिना बजाए अगर वो गीत आप गा सकें, आप लोग सारे लोग बहना हो बहना मजदूर हो बहना, बहना हो बहना मजदूर हो बहना, मिलके बदल दा हिंदुस्तान कि हमर बेटा भूखले सूते हो राम, मिलके बदल दा हिंदुस्तान कि हमर बेटा भूखले सूते हो राम, भैया हो भैया मजदूर हो भैया, भैया हो भैया मजदूर हो भैया, मिलके बदल दा हिंदुस्तान कि हमर बेटी भूखले सूते हो राम, हरा हमा ज्योतिला अन्ना उपजाविला, हरा हमा ज्योतिला अन्ना उपजाविला, अनवा से भरल खरिहान कि हमर बेटी भूखले सूते हो राम, अनवा से भरल खरिहान कि हमर बेटा भूखले सूते हो राम, भैया हो भैया मजदूर हो भैया, बहना हो बहना मजदूर हो बहना, मिलके बदल दा हिंदुस्तान कि हमर बेटा भूखले सूते हो राम, ईटा हमा पारिला कोठवा उठाविला, ईटा हमा पारिला कोठवा उठाविला, कोठवा से चमकेला सिवान कि हमर घरवा टूटली मारैया हो राम, कोठवा से चमकेला सिवान कि हमर घरवा टूटली मारैया हो राम, बहना हो बहना मजदूर हो बहना, बहना हो बहना मजदूर हो बहना, मिलके बदल दा हिंदुस्तान कि हमर बेटी भूखले सूते हो राम, रुई हमा धुनीला कपड़ा हमा बुनीला, रुई हमा धुनीला कपड़ा हमा बुनीला, कपड़ा से भरल है दुकान कि हमर बेटा लंगटे रहे हो राम, कपड़ा से भरल है दुकान कि हमर बेटी लंगटे रहे हो राम। वाह, क्या गीत है। जब हम जन आंदोलनों में जाते हैं और हम गीतों को सुनते हैं तो हमारे मन में एक जोश उत्पन्न होता है, लेकिन जब आप इस गीत को सुनेंगे, और इसमें भोजपुरी का पुट है, मैथिली का पुट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मजदूर या एक काम करने वाला तबका अपनी व्यथा को कह रहा है कि हम सब करते हैं, हम वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, हम कपड़ों के कारखानों में काम करते हैं, हम बिजली पानी हर सुख सुविधा के लिए काम करते हैं जो लोगों तक पहुंचता है, लेकिन आप सोचिए क्या गुजरती होगी उन पे जो लोग इन सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं, हम तक आप तक सुविधाएँ पहुँचाते हैं और उनके अपने बच्चे और वो उन्हीं सारी चीज़ों के लिए तरसते भूखे प्यासे रहते हैं। सविता जी, एक जो बात जो बहुत ज़रूरी है, आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? सबके कुछ ना कुछ योजनाएं होती हैं भविष्य की कि हमें इस चीज़ को बहुत करना है ना, आगे ले जाना है, तो इस तरह से आप लोगों ने, आपके इस पूरे बैंड ने क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अभी तो इतने बजा रहे हैं, अभी इसका आओ आगे मैं बढ़ाना चाहिए। अच्छा। और हम लोग सीखेंगे, आओ आइटम भी बदलेंगे, इसमें और भी जोड़ेंगे। हाँ, महिलाएं जोड़ेंगे, ये सीखना या और बढ़ाएंगे, आओ आगे मैं अभी भी हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, जब भी आप लोग कहीं बाहर आते जाते हैं और सारी चीज़ें, परिवार से कभी कोई विरोध झेलना हुआ हो कि कहना हुआ कि क्यों जा रही हो इतनी दूर, कैसे जाओगी? बोलते थे, हमारा पति भी बोलते थे बहुत,
ये सब काम मत करो, बहुत शिकायत होगा। तो हम बोले क्यों नहीं करे, खाली पुरुष करेगा, महिला नहीं करेगा? बहुत काम कर रहा है महिला देश में, ऑटो चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, जहाज भी चला रहा है, तो ये क्यों ना करेंगे? करके दिखाएंगे हम देश के, तरक्की करेंगे। हाँ, अब क्या बोलते हैं? अब नहीं कुछ बोलते हैं, अब बोलते हैं खुशी है, रहते हैं। पहले दम बहुत बोलते थे, सासुर भी बोलते थे, भैंसुर भी बोलते थे, खुद अपने कमाने लगा लो, अब कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, हर बार ये लिखते पढ़ते हम लोग बोलते जा रहते हैं कि औरतों का उनके अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप लोग काम नहीं करते थे, आप लोगों को पैसे मांगने पड़ते थे, है ना? एक छोटा उदाहरण ये है कि अगर मुझे बिंदी भी लगानी है तो मुझे मेरे पति से एक रुपया मांगना पड़ता है ना? वो इस पे ये पूछ सकता है कि तुम्हें एक रुपया क्यों चाहिए, ठीक है? मैं उसे ये भी नहीं कह सकती कि हाँ तुम्हारे इनाम की बिंदी जो समाज ने दे रखी मैं लगाऊंगी। तो अब क्या उससे कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो विश्वास बढ़ता है क्या कि मेरा पैसा है, चाहे दो रुपये है, मैं अपने से खर्च करूँगी? कुछ होता है ऐसा? अब तो हम खुद के, अब हम लोग तो पति से पैसा मांगते न हैं। हाँ, अपना पैसा कमाते हैं, पति भी कहता है कि अपना पैसा तो कमा ही लियो है, तो अपना जो कुछ खर्चा करना है करना। हम अपना बेटा बेटी के पढ़ाई में भी खर्च करते हैं, कपड़ा लत्ता अच्छा अच्छा पहनाते हैं, अपना भी अच्छा अच्छा जो मन में आता है सो ले लेते हैं अपना पैसा से। बिल्कुल, आज हमने लोग इतना दूर में आए हैं, 12 तारीख के प्रोग्राम था, वो करके वही पैसा हम लोग के हुआ है, तब लेके आए हैं, पति से नहीं हम लोग मांगे हैं, एक पैसा नहीं। इन माथों पे जो बिंदियाँ सजी हुई हैं वो बड़े गर्व से कह रही हैं कि होगी तुम्हारे नाम की लगी हुई मेरे माथे पे, लेकिन है मेरी अपनी कमाई की। ये बात मैं बहुत वजहों से बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि माथे की बिंदी के लिए भी तुम्हें मेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, चाहे वो मेरे ही नाम की क्यों ना हो, तो मैं इस कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से और इस पूरे टीम के माध्यम से आपको वार्न कर रही हूँ, होशियार हो जाइए, समय बदल रहा है, अब धीरे से ये कहना शुरू कर दीजिए कि बिंदी इसलिए लगा लो कि तुम्हारे माथे पे फपती है, इसलिए नहीं कि इससे मेरी उम्र बढ़ती है। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।